पहले तो मेटेरियल चिप से गई वहाँ से, फिर या एक राइट ईयर में एक घंटे के लिए दवाई डाली गई, एक घंटे मतलब एक अवस्था के अंदर लटाए रखा गया, फिर दूसरे कान के अंदर एक घंटे के लिए दवाई डाली गई, फिर 15 मिनट के लिए उसी अवस्था में लटा करके दवाई बोलनी जो बची दवाई वो निकाल दी गई। कुछ सुधार महसूस कर रहा, अच्छा लग रहा है। कहीं भी जाए अपन एक तो श्रद्धा होना जरूरी है, पॉजिटिव माइंड सेट होना जरूरी है, और कोई भी समस्या उसका निदान भी है, समाधान भी है, और अनुभवी व्यक्ति है तो उनके पास जाने से। इसके अलावा एलोपैथी आयुर्वेद, एलोपैथी के अलावा भी आयुर्वेद और मतलब होम्योपैथी में काफ़ी संभावनाएं मौजूद है। उनके मतलब अनुभवी व्यक्ति आज भी भारत के अंदर मौजूद है, उनका मार्गदर्शन के अंदर हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। और पुराने टाइम में तो होम्योपैथी और आयुर्वेद पर ही सब डिपेंड थे और सब ठीक होते थे। आज के टाइम में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है और लोगों को ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है। क्या विश्वास तो है कि मतलब ठीक हो सकते हैं, अगर जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद में जो थेरेपी वगैरह बताई जाती है, वर्ड थेरेपी है या स्पीकिंग थेरेपी है या वर्ड स्पीच थेरेपी है, उसका अगर फॉलो करें, दवाइयाँ अगर नियमित रूप से देवें, परहेज रखें, पत्ते पत्ते का ध्यान रखें, तो काफ़ी सुधार हो सकता है।